हेलो एंड वेलकम बैक टू नेहाज ब्लॉग। आज मैं आई हूँ यूएसए के पेटलैंड में। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में काफी सारे एनिमल से इंटरेक्शन कराने वाली हूँ, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना और मेरे साथ एंड तक बने रहना। अंदर जाते ही मेरी मुलाकात हुई इन प्यारे से गिनी पिग से। आप देखिए अब कैसे डर के भागेंगे। और गाइस यहाँ पे कुछ रैबिट्स भी थे, जिनमें से एक को मैं पेट कर रही थी और यही एक रैबिट था जो बाहर आके हमसे अच्छे से पेट करवा रहा था। दूसरा वाला तो अंदर घुस के बैठा था और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गाइस जो गिनी पिग्स डर के भागे थे वो दोबारा बाहर आए ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें बाहर निकालने की और इंशिरा एज यूजुअल एक ही रैबिट के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे दूसरे एनिमल के पास जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और फिर मैं और इंशिरा मिलके ट्राई कर रहे थे कि वो गिनी पिग्स बाहर आ जाए, बट वो दोनों के दोनों बाहर आए ही नहीं। अपनी लाख कोशिशों के बाद में थक हार के मैं और इंशिरा आगे बढ़े दूसरे एनिमल से इंटरेक्शन के लिए, जो थे लॉन्ग टेल्ड वीजल। ये लॉन्ग टेल्ड वीजल के बेबीज थे और मैंने और इंशिरा ने इन्हें भी उठाने की खूब कोशिश करी, बट ये गहरी नींद में सो रहे थे। और गाइस ये हर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉयज थे। ये पेट केयरिंग के लिए उनकी एक्सेसरीज है। और गाइज यहाँ पे सन कॉर्नियर्स 50% ऑफ सेल पर थे। फिर मेरी नजर गई गाला को कटो पे। पहले ये बहुत शाय सा डरा हुआ सा ऊपर बैठा हुआ था, फिर उसके बाद में नीचे आया और मेरे और इंशिरा के साथ में खूब खेला। और गाइज ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट। मैं आपको बता दूँ मेरे पास इंडिया में भी अफ्रीकन ग्रे पैरट है और उसका नाम माशा है। मुझे इसको देखकर मेरे माशा की बहुत याद आ गई थी। वैसे मुझे इनका ये रूल काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ था यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू परचेज अ पेट, प्रूफ ऑफ एज मे बी रिक्वायर्ड। फिर गाइज यहाँ पर प्यारे प्यारे ब्लू कॉर्नियर भी थे, जिन्हें पेट करने में मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं बाहर से ही उनसे खेल रही थी। यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर बर्जीज भी थे। आप यहाँ पे कोई भी एनिमल या बर्ड को अपने हाथ में लेके पेट कर सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं, बट मुझे और इंशिरा को डर लग रहा था। जैसे मेरी नज़र गई एक लड़की ने ब्लू कॉर्नियर को अपने हाथ में लिया, तो मैंने उसे पूछा कि आप मुझे भी दे सकते हो, और उसे मुझे दिया। और आपको मैं बता दूँ वो इतना फ्रेंडली था, इतने अच्छे से आके मेरे हाथ पे बैठा था, मुझे बहुत मज़ा आया। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये सारे बर्ड्स टेम्ड थे। अब बारी आ गई थी हैमस्टर्स के साथ इंटरेक्शन की। इसमें काफ़ी सारे हैमस्टर्स थे बट सारे छुप कर बैठे थे, सिर्फ ये एक ही बाहर था। मैंने इस हैमस्टर को पेट करने के लिए बहुत ट्राई करा, बट स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और ये कुछ ड्वार्फ हैमस्टर्स हैं, सेल पे थे $24.99 में। और ये कितना क्यूट था, मैंने जब इसे पेट किया, और आपको मैं बता दूँ इसके हेयर इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट कि मैंने इससे पहले कभी इतने सॉफ्ट हेयर का हैमस्टर्स कभी नहीं देखे हैं।
आप सिर्फ इन्हें ऐसे ही पेट नहीं कर सकते, बल्कि आप इन्हें हाथ में लेकर भी पेट कर सकते हैं। सिर्फ मैं और इंशिरा डर रहे थे और बाकी लोगों ने इन्हें काफ़ी हाथ में लिया और खूब प्यार करा। आप देख सकते हो ये कैसे भाग रहा था, बहुत क्यूट और फनी लग रहा था। हमारे साथ साथ यहाँ पे और भी लोग हैमस्टर्स देख रहे थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके हैमस्टर को पकड़ा और इंशिरा के हाथ में दिया और इंशिरा ने उसे ऑन द स्पॉट छोड़ दिया। खैर वो हाथ में आ नहीं रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी भाग जा रहे थे। और गाइस यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स के पपीज थे। ये काफ़ी प्यारे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे और इनको बहुत सफाई के साथ रखा जाता है। टाइम टू टाइम इन्हें मेडिसिन दी जाती है, इनके हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पपीज सो रहे हैं क्योंकि वो खेल कर थक कर सो चुके हैं। और जो पेट सेल के लिए बुक्ड हो जाते हैं, जैसे कि ये पपी बुक्ड हो चुका था, इन पेट के साथ हमें खेलने नहीं दिया जाता है क्योंकि इन पेट को इन्फेक्शन का डर रहता है। और जो भी पपी आपको पसंद आए, ये उस पपी के साथ हमें खेलने देते हैं और उसके बारे में काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये कौन सी ब्रीड का है और कितने साल का है। पहले गाइस इंशिरा पपी के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसके बाद में आप उसका रिएक्शन खुद ही देख लीजिए। जैसे कि आप सबने देखा, इंशिरा बहुत डर रही थी और उसका ये डरना देखकर हम बहुत हंस रहे थे। इस पपी के साथ मैंने तो बहुत 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 एंजॉय किया और इंशिरा का डर निकालने के लिए मैंने फिर इस पपी को उठाकर इंशिरा के हाथ में भी दिया। अब बारी आ गई थी दूसरे पपी के साथ इंटरेक्शन की और ये था छोटा सा क्यूट सा पोमेरियन। और ये पपी भी बहुत क्यूट था, ये हमारे साथ खेल भी रहा था और साथ ही साथ में भाग भाग के जाकर इसे पता नहीं यहाँ पे ये दीवार का कोना क्यों काटना था और हम उसे हटा दे रहे थे, वो फिर भागकर वहीं चला जा रहा था। खैर अब आगे वीडियो में आप ये देखिए इंशिरा इस क्यूट से पपी से भी कैसे डरती है। उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूँ, ये इनके मार्केटिंग का एक तरीका है कि पेट्स के साथ ये लोग टाइम स्पेंड करने देते हैं ताकि बच्चे जिद करें पेट लेने के लिए। इंची फाड़ देगा वो। फिर मैंने क्लिक कराए कुछ अपने फोटोज इस क्यूट से पपी के साथ। पेट को मेंटेन करने के लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे कि टॉयज, बेड्स, फूड्स, मेडिसिन, फूड बोल्स, कॉलर बेल्ट्स एक्सेट्रा। तो गाइस आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आई होप आपने मेरे साथ में यहाँ पे कुछ एनिमल्स के साथ में एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो रुको जरा, सबर करो। सो गाइस पेटलैंड के बाद हम आ गए थे डायरेक्टली चिलर में। जहां पर बच्चे आइस हॉकी सीखते हैं और उनके टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहां दो टीम के बीच ये टूर्नामेंट चल रहा था। सो गाइज आप लोगों में से किन किन लोगों ने
लाइव आइस हॉकी टूर्नामेंट देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस यहाँ जो टीम खेल रही थी उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स उनके चीयर अप के लिए आए हुए थे। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग यहीं खत्म होता है। आई होप आप सब ने मेरे साथ इस व्लॉग को खूब एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।